Ready? All good? Okay, thank you very much. Captain Babar Azam हमारे साथ हैं. We will start the question. Please repetition is single question. Short time है, so maximum avail करना चाहेंगे. Daniel. बाबर, आपने सीरीज के शुरू में कहा था कि ये इधर रोटेशन होगी और थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे वर्ल्ड कप से पहले. अब ये चार मैच कंप्लीट हुए हैं, सीरीज खत्म हुई है, तो सीरीज के एंड पे आप क्या आपके मेन टेक अवे हैं? मेन टेक अवे क्या है आपका, क्या लेसन्स लर्न किए हैं इस इन चार मैच के बाद? जो हमारा प्लान था हमने वो थोड़ा सा अचीव किया. डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बैटिंग में भी किया हमने, और अनफॉर्चुनेटली दो इंजरीज हो गई, तीन सॉरी, जिसमें आजम था, रिजवान था और इरफान था. बैटिंग में रोटेशन देखी आपने, जितना भी था हमने कोशिश किया कि डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जाएं, और हमने कोशिश किया पहले सिक्स आवर में डिफरेंट बॉलर्स को यूटिलाइज किया. और देखिए, ये सारा पैक जो था वो सीरीज से पहले हमने प्लान किया था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मेन चीज हमें क्या, हम कौन सा प्लेयर कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, प्रेशर टाइम में वो कैसे जो है वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम है. तो ये चीज़ें हमने नोट की हैं, और बिल्कुल थोड़े काफ़ी पॉजिटिव साइन भी हैं. लेकिन हम ये नहीं है कि जहाँ पर हमने गलतियाँ की वो हम उसको छोड़ी नहीं, लेकिन ये जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप मिस्टेक्स भी करते हैं, तो हम कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा मिस्टेक हमने की हैं उसको जितना जल्दी हम फिलअप करेंगे उतना हमारे हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के करीब और मैचेस कम हैं. तो ऑलमोस्ट आई नो कि आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि ऑलमोस्ट आपने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो आपकी जो फाइनलाइज होगी किस कम्बिनेशन जाएंगे, बट जो हमारे लिए जो टीम के लिए बेस्ट होगा हम कोशिश करेंगे वो बेस्ट किया जाए. अगर हमने ये टेस्ट पॉलिसी की बात कर ली है, तो हमने देखा है कि सारे लड़कों को टेस्ट किया गया है, शाहीन को भी टेस्ट करवाया गया, शाहीन जब वापस आकर के चार विकेट लेते हैं, शाहीन की सबसे पहले बताएं कि परफॉर्मेंस कैसी लगी. और दूसरा, जो रोटेशन पॉलिसी है वो सारे मिडल ऑर्डर्स पर, लोअर ऑर्डर्स पर चल रही है, ओपनिंग पर कुछ चेंज नहीं हमें देखने को मिला. आईना आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुरानी जोड़ी जो 152 मशहूर हुई थी, बाबर रिजवान की जोड़ी को देखने को मिली. देखें, जिस तरह पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, ही नोज कि जब कम बैक कैसे करना है. बैड डे चलता है, लेकिन जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और जितना वो डेडिकेशन से चीज़ें करता है वो सबके सामने है, और फाइटर है वो. और जिस तरह उसने कम बैक किया, जिस तरह उसने मेन जो था हमें क्रूशियल टाइम पर विकेट लेके दी, तो मुझे तो काफ़ी एज अ कप्तान मुझे हमेशा ही जो भी परफॉर्मेंस करता है मुझे खुशी होती है. देखें, रोटेशन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है, जिस तरह रजी जो है वो अनफिट हो गया, तो हमारा प्लान था रोटेशन करने का. हाँ, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि स्ट्रगल हम जो है वो मिडल में ही कर रहे हैं. और जिस तरह देखें, कभी हमने शदाब को भेजा, कभी हमने इफ्तिखार को ऊपर भेजा, तो ये हमने कोशिश की है. उस्मान भी ऐड हुआ, उसमें भी उसको प्रॉपर हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कहाँ स्टैंड करे उसके साथ. तो मेन जो हमारा कंसर्न है वो मिडल ऑर्डर है. अब मेरे ख्याल से कि ऊपर भी चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल ये हमारा माइंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रजी जो है वो उसकी इंजरी हो गई. बाबर, उस्मान खान के बारे में बहुत सारे लोग कंसर्न हैं इस बात के ऊपर कि उसने यूएई क्रिकेट छोड़ी, पाकिस्तान को तरजीह दी, यहाँ पे भी उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो पीएसएल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई है, तो उसके लिए आपका टीम मैनेजमेंट के क्या थॉट्स हैं उस्मान के लिए? क्योंकि जाहिर लगता है कि शायद वो ज़्यादा देर जो है ना वो इस कंडीशन में ना टीम में सर्वाइव कर सके. देखें, आपको मार्जिन देना पड़ता है. पाकिस्तान टीम में जब आते हैं तो प्रेशर होता है वो. आई नो उसने इतनी चीज़ें छोड़ी हैं, वो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी होगा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह पिछले मैचेस में उठा कर देख लें. देखें, एज अ प्लेयर जब भी आपका डेब्यू या आप खेलते हैं तो आप दो इनिंग्स के बाद कोशिश करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा स्टेबल होकर फिर मैं अपनी इनिंग स्टार्ट करूँ. लेकिन जिस तरह उसने इंटेंट दिखाया जो वो हम उससे रिक्वायर्ड था वो उसने दिखाया. और परफॉर्म होना ना होना, देखें ये
किसी के हाथ में नहीं है, ये आपके जो है वो ऑन द डे आपका डे होगा तो आप करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीम जो है वो बाकी को कवर अप करें। देखें ऑन द डे चार पांच लड़कों ने परफॉर्म करना होता है और हमने यही देखते हैं कि किसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसने बॉलिंग में डिफरेंट होती है बैटिंग में डिफरेंट होता है, तो हम कोशिश करते हैं इसको एंड तक लेके जाएँ और टीम रिक्वायर्ड जो है उसको लेके चलें। और एक चीज़ मेरे ख्याल से हम फील्डिंग में थोड़ा सा और हम इस चीज़ को जो है उस पर हम काम करेंगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है लेकिन हमें और मजीद जो है वो इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए किया क्योंकि आपने तो बात करना था। बाबर रोटेशन पॉलिसी एक तरफ, जो स्कोर लाइन थी सीरीज की वो टू टू थी, क्या आप एज अ कैप्टन इस स्कोर लाइन से खुश हैं या आपको अफसोस है कि ट्रॉफी जो है मैंने प्रेसवर के साथ शेयर कर दी है? नहीं देखें एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हमें ये इसे अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। देखें थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए लड़के हैं और हमें जो भी है एक्सक्यूज़ नहीं है, जितना भी है एक्सक्यूज़ नहीं है, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं आपको अपना 100% देना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी मैं इस पर फर्म नहीं करता कि हम एक्सक्यूज़ दें हमारी नई टीम थी हम ये थे या वो थे, बिल्कुल हमें बेटर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी तीनों शोबों में और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। बाबर भाई चारों मैचेस में हम 200 नहीं कर पाए, दुनिया में जिस तरह क्रिकेट हो रही है जिस तरह उनकी प्रेपरेशन है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दीगर टीमें जो हैं, क्या हमें आपको लगता है कि हम लोग मीट कर सकेंगे और हमारी प्रेपरेशन भी वर्ल्ड कप की उसी तरह बेहतर है? लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे एवरेज स्कोर जो था 190 था, पिंडी में कह सकते हैं आप के 200+ वहाँ पे एवरेज स्कोर है PSL में आपने देखा, लेकिन देखें सिचुएशन और आपको कभी कभार पिच वैसे बिहेव आपको चेंज लगती है, आप हर टाइम वो चीज़ नहीं लेके जा सकते कि आप जाएं और आप कहें 200 करेंगे, आप जाते हैं लेकिन आपको आफ्टर 5-6 आवर बाद पता लगता है कि यहाँ पे क्या बेस्ट स्कोर हो सकता है, तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल जब अच्छी विकेट भी होती है हमने 200 की है, चेस भी की है 200 किया भी है, लेकिन बिल्कुल मेरा मानना ये है कि हम तीनों मैचों में इवन कि हमने पहले में बॉलिंग की थी लेकिन बैटिंग में हम शॉर्ट रहे हैं हम 15-20 रन जो हम फिनिश जो है वो जो हम हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा लैक की है बिल्कुल, इस पर भी मैं एग्री करता हूँ और डिनाई नहीं करता, बिल्कुल हम इस चीज़ पे थोड़ा पीछे थे लेकिन हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे, जिस तरह हमारे पास पावर हिटिंग है, जिस तरह शदाब है अमाद है फ़ख्र है सॉरी फ़ख्र भी है और इफ्तिखार भी है, और अनफॉर्चुनेटली आज़म को हमने थोड़ा सा किया क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है, वो गेम चेंजर है, वो जब खड़ा होगा वो आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो गेम को चेंज कर सकता है। बाबा भाई आपने मिडिल ऑर्डर का बोला है कि मिडिल ऑर्डर में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड मुसलसल जो पावर प्ले था वो 60+ रन कर रहा था जबकि हम पावर प्ले के अंदर 50 के करीब करीब जा रहे थे, तो आप समझते हैं कि जो टॉप ऑर्डर है और पावर प्ले में रन कम होना भी पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहत में से एक है? कम देखें कम 50+ अगर स्कोर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से गुड इनफ है, लेकिन हाँ हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं 7-10, ये नहीं कि हम पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं, 7-10 जो है वो 30+ कर रहे हैं, हमें 5 रन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमें 40 रन करने चाहिए जो 7-10 है, उसके बाद जब आप 10 ओवरों में अगर 100 पे खड़े हैं तो उसके बाद जो अगले 10 में आप कोशिश करते हैं कि उसको 90-100 जो है वो जब आप विकेट इन हैंड होती हैं तो आप एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, तो ये थोड़ा सा जिस तरह हमने बात की कि 50+ हो रहा है लेकिन उसमें क्या है कि दो विकेटें भी हम थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमने किया भी है 60+ भी एक मैच में किया है लेकिन उसमें अगर इसमें नहीं किया अगर 45-50+ ऑलमोस्ट हमने किया है लेकिन उसमें क्या है कि हमने विकेट लूज़ किए कि वो पीरियड में भी हम क्या कहाँ लैक करें, तो बैक टू बैक विकेटें जो है वो हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और इसको हमने थोड़ा सा फिल किया है और उस इन दी एंड हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पावर जो है आखिरी 5 आवर में उसमें हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं। बाबर हमने देखा कि सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाई गई है, चंद प्लेयर्स को छोड़ के सभी को आराम कराया गया और खिलाया गया, तो क्या ये रोटेशन पॉलिसी सिर्फ बाकी खिलाड़ियों के लिए कप्तान पे नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा कोई वाइस कैप्टन भी नहीं है वाइट बॉल में, ये वेट कर रहे हैं कि वाइस कैप्टन आएगा तो फिर कप्तान पे लागू होगी क्योंकि अभी वर्ल्ड कप से केवल चंद मैचेस ही बाकी हैं? नहीं आप चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊं
नहीं आप जा रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं मुझे बैठना चाहिए था। चले नेक्स्ट टाइम इस पर मैं गौर करूँगा कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है सर। देखें जो मैं एज अ कैप्टन मुझे जितना बिल्कुल हमने ये बात की थी, लेकिन आपको चीज़ों को लेकर चलना, अगर मैंने अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अगर चलना है तो मुझे अंदर रहना पड़ेगा। यानी कि मैं बैठ बैठ के ये चीज़ें नोट करूँ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए जितना टाइम कम है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो बेस्ट अलेवन होती है उसको हम लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके इसको भी पूरा करेंगे। फिर आपने इस चीज़ को भी लेके शुरू हो जाना कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ। आई नो ये चीज़ें भी बड़ी चल रही हैं कि रोटेशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और हमने अगर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो किसी हाल में कोई बंदा खुश नहीं है, सबके लिए दुआ किया करें। अच्छा बाबर, ये बताएं कि इमाद और आमिर को इस सीरीज़ के अंदर मौका मिला, और किस तरह की परफॉर्मेंस आपने उनकी रेट की है? आखिरी मैच इमाद ने 2 मैचेस खेले हैं सीरीज़ में, और आमिर को तकरीबन 3 मैचेस मिले हैं, तो क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस को? क्या वो आप उनको आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख रहे हैं? देखिए जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, सबको पता है कि वो जिस तरह वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, बैटिंग में स्पेशली बैटिंग में, बॉलिंग में अभी भी देखें इस टीम में ये हमने जो है वो ये नहीं है कि कोई किसी भी बंदा का नंबर सेट है। आज भी हमने देखने आठ बॉलर को यूटिलाइज किया, क्योंकि कंडीशन जो डिमांड कर रही थी उस हिसाब से हम उसको लेके चले हैं। मोस्टली उसके बाद 6 ओवर के बाद हमने मोस्टली स्पिनर्स को यूज़ किया, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें ये नहीं कि हम किसी को जो है वो सोधर पूरे आवर करवाते हैं, या हमने दिखना पिछले मैच में शदाब को बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में हमने 2 ओवर शदाब को करवाया, सामान्य अच्छी बॉलिंग की हमने उसको पूरे आवर करवाए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन को। और जिस तरह आमिर की बॉलिंग थी, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और आई नो सबको पता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, ही नोज कि कैसे बॉलिंग करनी है। बैड डे था उसके लिए, कोई मसला नहीं इस पर, मुझे कोई इस चीज़ पर मुझे दो राय नहीं है कि उस पर उसके जो एक्सपीरियंस है कोई मेरा डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल अभी देखें बड़ी चीज़ें ओपन है, अभी 7-8 मैच हैं, अभी वर्ल्ड कप अनाउंस होने में बड़ा टाइम। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि सैम अयूब को 5 मैचों में मौका मिला आपके साथ, तो उनकी कोई कारकर्दगी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं रही, तो इन फ्यूचर क्या वही आपके साथ ओपनिंग करेंगे, या किसी और को? फखर जमान हो गया या मोहम्मद रिजवान, किसी और को? देखिए बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ये चीज़ें आएंगी। देखिए टैलेंट बहुत है उसमें, बिल्कुल उसमें मेरा फर्म बिलीवर, जिस तरह उसने PSL में खेला, और जिस तरह जितने भी लीग्स खेला वो बहुत अच्छी खेल है, और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है, वो आपको फर्स्ट 6 ओवर में आपको टोटली वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पे कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल इस कर रहा है, उससे एक इनिंग जो है वो मिस है, वो एक इनिंग लग जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए जिस तरह वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। देखिए कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। जहाँ तक रही ओपनिंग पेयर, अभी मैंने जिस तरह बात की है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि हम भी नीचे आए, हम बाहर बैठ जाए, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे। पाकिस्तान टीम कल डिस्पर्स हो जाएगी, और न्यूजीलैंड जो है आज रात को अर्ली मॉर्निंग फ्लाई ऑफ कर रहा है। थैंक यू।